आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सरकार और स्वास्थ्य विभाग का पहले डोज पर फोकस है। आंकड़ों के हिसाब से एमपी में करीब 70 लाख लोगों ने अभी पहला डोज नहीं लगवाया है और 4 करोड़ 70 लाख के करीब लोग पहला डोज अब तक लगवा चुके हैं। सरकार ने पहले डोज नहीं लगवाने वाले अधिकांश लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। करीब 5.5 करोड़ लोगों को एमपी में वैक्सीनेशन की अभी भी जरूरत है। एमपी के जो 52 जिले हैं उनमें से सिर्फ इंदौर और भोपाल के अलावा हरदा ही ऐसी जगह है जहां पर पहला डोज 100% लग चुका है। इसके साथ महा वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो अब तक 1.40 करोड़ लोगों को एमपी में दूसरा डोज लग चुका है। रविवार को शिखर धाम नागलवाड़ी में राठौर समाज ने खरगोन जिले के कक्षा 10वीं और 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल और सीबीएसई की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक अर्जित कर परिवार और समाज का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया। किसी भी समाज का दायित्व होता है कि वो प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करे जिससे दूसरे बच्चों को भी उन्हें देखकर प्रोत्साहन मिल सके। राठौर समाज के युवा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा और राठौर समाज जिला खरगोन ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम में खरगोन जिले के सभी तहसीलों के राठौर समाज के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सरोजनी नायडू टीकाकरण केंद्र पहुंचे और टीकाकरण का जायजा लिया। वैक्सीनेशन महाभियान को लेकर सारंग ने कहा कि हमारा लक्ष्य है इस महीने 100% वैक्सीन का पहला डोज लोगों को लग जाए। उन्होंने उम्मीद जताते हुए आगे कहा कि हमें पूरा यकीन है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। इंदौर भोपाल में 100% पहला डोज लगने के बाद तेजी से दूसरा डोज यहाँ लगाया जा रहा है। सेकेंड डोज को लेकर भोपाल के सेंटर्स पर काफी उत्साह नजर आ रहा है। उन्होंने कहा जहाँ पहला डोज 100% नहीं लगा है वहाँ उम्मीद है कि आज इसे पूरा कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर हम महावैक्सीनेशन का अभियान चला रहे हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश अब प्रथम डोज के मामले में 100% तक पहुंचने वाला और ऐसी हमें उम्मीद है कि आज अधिकतर जिले हम पहले डोज पर 100% पहुंचेंगे। इन भोपाल और इंदौर में तो हमने पहले ही प्रथम डोज का 100% वैक्सीनेट होने का काम पूरा किया है और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि हर जिले की जो पात्र हितग्राहियों की सूची है उसको हम रिकंसाइल कर। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिग्विजय सिंह पर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन पर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह यदि सरस्वती शिशु मंदिर में थोड़ा भी पढ़ लेते तो उनके संस्कार ठीक हो जाते। वो इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करते, पाकिस्तान परस्ती की बातें नहीं करते। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर देश को तोड़ने का और विध्वंस की बातें करने का आरोप लगाया। सारंग ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होते अगर दिग्विजय सिंह तो आतंकवाद को संरक्षण देने की भी बात नहीं करते। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में आए और एक बार फिर से पढ़ाई करें। देखिए दिग्विजय सिंह जी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ लेते तो वो इस तरह की बातें नहीं करते। संस्कार की कमी इसीलिए तो है, यदि उनके पेरेंट्स उन्हें सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करवा देते तो वो पाकिस्तान परस्ती की बात नहीं करते, वो विध्वंस की बात नहीं करते, वो देश को तोड़ने की बात नहीं करते, वो विभेद की बात नहीं करते।
वो देश प्रेम की बात करते, वो राष्ट्र प्रेम की बात करते, वो देशद्रोह के काम करने वाले लोगों को संरक्षण नहीं देते। अब मैं उनको सलाह दूंगा, वैसे तो शायद उनको एडमिशन मिल नहीं पाएगा, पर यदि एडमिशन मिल जाए तो कुछ दिनों सरस्वती शिशु मंदिर में वो पढ़े तो शायद ठीक संस्कार उन्हें भी मिल जाएंगे। इसके बाद विश्वास सारण ने किसान आंदोलन पर भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि अधिकतर किसान भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं। सारण ने कहा कि किसान जानते हैं कि उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितना काम किया है, जो काम किया है उतना, और वो काम कांग्रेस की किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया और ना कर सकती है। अच्छा रहता कि दिग्विजय सिंह उस समय धरना देते जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि कमलनाथ उस समय किसानों के साथ खड़े होते जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज खाद को लेकर जो समस्याएं हो रही थी कांग्रेस की सरकार के दौरान, तब कमलनाथ कहां गए थे। विध्वंस और विद्वेष की राजनीति करने की दिग्विजय सिंह की आदत है। उन्होंने उन्हें लताड़ते हुए आगे कहा, दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी राजनीतिक हैसियत ढूंढने के लिए दिग्विजय सिंह इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने पिछले दिनों तिलक नगर क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का बैग लूटने वाले दो बदमाशों को पकड़ लिया है। बदमाशों के पास से लूटी हुई ज्वेलरी सहित नकदी भी मिली है। फिलहाल दोनों ही बदमाशों से पूछताछ भी जारी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पलासिया थाना पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों के नाम रोहित और कुणाल है। दोनों ने पिछले दिनों तिलक नगर क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का पर्स लूटा था, जिसमें हीरे की अंगूठी सहित 35,000 रुपए नकद थे। घटना के सीसीटीवी कैमरे के वीडियो के आधार पर दोनों को पलासिया पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, दो लूट के आरोपी थाना पलासिया के द्वारा पकड़े गए हैं। श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना पलासिया द्वारा, श्रीमान टी साहब के द्वारा, टीम के द्वारा आज चेकिंग की गई, जिसमें दो लोग तिलक नगर मुक्तिधाम के सामने नशा करते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पकड़ा। पूछताछ करते उनका नाम पता का पता करते एक ने रोहित बताया, जो बड़ी ग्वालटोली का है। एक कुणाल है, जो विनोबा नगर का है, जिन्हें पकड़ कर थाने लाया गया। जिन्हें पूछताछ करते उन्होंने बताया कि हमने 24/9/2021 को गोयल नगर जैन मंदिर के आसपास एक महिला पैदल पैदल जा रही थी, जिन्हें बैग में बैग छीना गया था, छीनकर भाग गए थे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रशासन, नगर निगम सहित पुलिस विभाग ने बदमाशों और माफिया राज को खत्म करने की मुहिम चलाई है। इसी के चलते जहरीली शराब बेचने के मामले सामने आए हैं। इंदौर में पिछले दिनों जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सपना बार को सील कर दिया था और मालिक विकास बरेडिया नाम के एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे किया था। इसी कड़ी में जिला प्रशासन सहित नगर निगम पुलिस विभाग ने माफिया और बदमाशों के खिलाफ उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की मुहिम के तहत मरी माता स्थित सपना बार को नगर निगम की पोकलेन मशीन ने कुछ ही मिनटों में जमीन दोज कर दिया। इस कार्यवाही के दौरान सपना बार से जुड़े मालिकों के परिजनों की महिलाओं ने कार्यवाही के खिलाफ काफी विरोध किया, लेकिन पुलिस बल ने किसी की एक भी नहीं सुनी और परिजनों को कार्यवाही से दूर खदेड़ दिया और फिर इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। अपना बहानगा क्षेत्र में मड़ी माता चौराहे के पास ये सपना बार था, जिसको आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आज इसको डिसमेंटल किया है। कुछ समय पूर्व यहाँ पर जहरीली शराब से कुछ दो लोगों की मृत्यु भी हुई थी, तब से ये बार सील था। नगर निगम द्वारा इस जो बिल्डिंग बनी हुई थी इसमें कुछ अनियमितताएँ पाई गई थी निर्माण में, उसको लेकर आज यहाँ पर इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है और आज ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।